Hello everyone, welcome you all in this session. So from today onwards, we are going to start MCQ series of Indian polity. Indian polity जो theory part है वो अपन सारा complete कर लिया है, उस तो बाद कुछ MCQ उस question discuss की थे सीखे. So उसे अब series में continue करते हुए अपन Indian polity के MCQs आज तो start करांगे. सारे क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज टॉपिक रहेंगे. जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, द टॉपिक दे अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस जो है अपन डिस्कस कराएंगे. सो स्टार्ट कर दें अपने आज के फर्स्ट सीरीज. तो सीरीज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय. तो कैबिनेट मिशन सी जो 1946 के विच आई सी, आन द पर्पज ये सीगा कि उस टाइम तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो बाद ब्रिटेन की पोजिशन भी काफ़ी वीक हो गई सी. इंडिया के विच भी फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी स्ट्रोंगली अगे मूव कर रहा है. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक आया हुआ से उस टाइम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जड़ी चीज़ों ने मुस्लिम लीग एग्री करती सी कांग्रेस नहीं करती सी, कांग्रेस एग्री करती सी तो मुस्लिम लीग एग्री नहीं करती सी. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक नू सॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन आया से. तीन मैंबर से थे स्टैफोर्ड क्रिप्स. क्रिप्स तो पहला मतलब कॉन्स्टेंट जो अपनी कैबिनेट मिशन सी कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक नू रिजॉल्व करने के लिए पहला क्रिप्स मिशन भी आया सीगा. उस क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन सीगा उदे चेयरमैन सीगे स्टैफोर्ड क्रिप्स. और यही दिन उस तो बाद जो कैबिनेट मिशन आई है 1946 के विच उदे भी मैंबर सीगे. तो जो कैबिनेट मिशन है क्रिप्स भी दे मैंबर सीगे, अलेक्जेंडर भी दे मैंबर सीगे, लॉर्ड पैटिक लॉरेंस भी ये मैंबर सी. ये तीन मैंबर की कमेटी सी, तीन मैंबरस कैबिनेट मिशन के ही मैंबर सीगे. इस टॉपिक के बारे जो डिस्कशन है आप इंडियन हिस्ट्री दे विच कीता होया, फ्रीडम स्ट्रगल दे विच कैबिनेट मिशन दे बारे पूरा कंप्लीट डिस्कशन कीता होया है दे बारे. पर दो टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन वाला पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों दे विच ही आंदा है. सो अपने क्वेश्चन दे वाल चलते हैं. क्वेश्चन सीगा अपना कि कैबिनेट मिशन दे हेड कौन सी है, चेयरमैन कौन सी. तो कैबिनेट मिशन दे हेड जो है लॉर्ड पैटिक लॉरेंस सीगे, सी ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट होएगा. ये तीनों मैंबर सीगे, क्रिप्स भी अलेक्जेंडर भी लॉरेंस तीनों मैंबर सीगे, लेकिन जो चेयरमैन सी या हेड कर रहे से वो लॉरेंस सीगे. और क्रिप्स ने जो क्रिप्स मिशन की कमेटी आई सी उन्होंने हेड किया सीगा. तो उन्होंने नाम तो उस कमेटी नू जानते. जो कैबिनेट मिशन है इन्हें लॉरेंस हेड कर रहे से मैंबरस, तीनों के नाम मैंबर से. याद रखना कि वो क्वेश्चन ये भी आ जाता कि विच ऑफ फॉलोइंग वॉज द मैंबर ऑफ कैबिनेट मिशन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मैंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन. तो तीनों नाम याद रखने और चेयरमैन याद रखने. लॉरेंस वॉज द चेयरमैन. सी अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन द राइट आंसर है. मूव कर द नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्हें किने अडॉप्ट किया सी, गवर्नर जनरल ने, बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, सी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने. तो इन विचो जो करेक्ट आंसर होएगा अपना कॉन्स्टेंट असेंबली होएगी, क्योंकि 1946 के जो कैबिनेट मिशन आई सी उद्देश कि इलेक्शन होएगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट चूज की जाएगी, दैन उ गवर्नमेंट अपने कैबिनेट जो है कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टेंट असेंबली चूज करेगी. उस कॉन्स्टेंट असेंबली का काम होएगा पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट भी उन्होंने द्वारा ही किया गया से, बनाया भी उन्होंने द्वारा ही किया सी. कैबिनेट मिशन दे विच जो कॉन्स्टेंट असेंबली दसी गई सी, इस कॉन्स्टेंट जो असेंबली सी एदे विच एक ड्राफ्टिंग कमेटी सी जिदे चेयरमैन सीगे बी आर अंबेडकर. तो उन्होंने ही मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की सी, और इन द्वारा ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट 1949 दे विच 26 नवंबर 1949 दे विच अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया सीगा. बट इनफोर्स्ड जो है वो 26 जनवरी 1950 दे विच कीती गई सी. वर्ड्स भी याद रखने, अडॉप्ट एंड इनैक्ट इन 1949 और इनफोर्स्ड किया गया सी 1950 दे विच. ये क्वेश्चन इन वर्ड्स तो भी आ जाते. सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर सी होएगा. जो अडॉप्शन की गल है तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाल अपने पूरी कॉन्स्टेंट जो असेंबली सी वही डील कर रही थी. ये ही वेरियस कमेटी सी जिन्हों एक ड्राफ्टिंग कमेटी सी, चेयरमैन सी बी आर अंबेडकर, उन्होंने मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा बनाया सीगा. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लेके और फिर अडॉप्ट किया सीगा 1949 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया सीगा, इनफोर्स किया सी 26 जनवरी 1950 दे विच. दोनों वर्ड्स के विच डिफरेंस है, दोनों ही डेट याद रखनी है. मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
The Constituent Assembly for Undivided India first met on the 1946 ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਫੋਰ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਜਾਂ ਐਲਡੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡਰ ਜੋ ਹੈ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ। ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵੈਨ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫੋਰ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਸੈਂਬਲ ਔਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947, ਇਟਸ ਰਿਡਿਊਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸ, ਇਹਦੀ ਰਿਡਿਊਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 389 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 389 ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਸੀ 299 'ਤੇ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੋ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫੋਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਤੋ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਔਰ ਐਮ ਸੀ ਸੀਤਲਵਾੜ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 5th ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਸੀ ਐਨ ਡੀ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀਗੇ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਸੀਗੇ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਇਨੈਕਟਡ ਬਾਏ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਟਅਪ। ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਇਨੈਕਟ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 1949, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਅਡਾਪਟ ਐਂਡ ਇਨੈਕਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਇਨੈਕਟਡ ਬਾਏ ਕੋਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਟਅਪ। ਤੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ
किस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सैटअप हुई सी जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन नू इनैक्ट और अडॉप्ट किया सीगा तो यह सैटअप हुई सी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग उदी तो आप गल कर रहे हैं 1946 के विच कैबिनेट मिशन आया दैन इलैक्शन हुई दैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्दर अपनी मेजर कमेटी माइनर कमेटी की फॉर्मेशन की माइनर मेजर कमेटीज़ के एक ड्राफ्टिंग कमेटी सी बी आर अंबेडकर चेयरमैन से जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की है। सो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सैटअप हुई सी और जिन्होंने इनैक्ट और अडॉप्ट किया इनफोर्स्ड 1950 के बी ऑप्शन ये अपना सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सैटअप इन तो कदों सैटअप हुई सी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली सी कैबिनेट मिशन आया सी 1946 के विच और उसके अकॉर्डिंग ही असेंबली सैटअप हुई सी तो अपना 1946 राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो इनॉगरल मतलब फर्स्ट मीटिंग तो 9 दिसंबर में फर्स्ट हुई सी उस तो बाद 11 दिसंबर उस तो बाद 13 दिसंबर में हुई सी मीटिंग अपनी। सो 9 दिसंबर में टेंपरेरी प्रेजिडेंट चूज किए गए थे जो ओल्डेस्ट मैंबर से पूरी असेंबली के एल्डेस्ट मैंबर से उन्होंने टेंपरेरी प्रेजिडेंट चुने गया 9 दिसंबर में दैन 11 दिसंबर में अपने जो परमानेंट या रियल प्रेजिडेंट से राजेंद्र प्रसाद उन्होंने चूज किया गया सेगा। सो 9 दिसंबर नू इनॉगरल ते सचिनंद सिन्हा ए ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट आंसर है इन्होंने एज अ प्रेजिडेंट चूज किया गया सी परमानेंट या टेंपरेरी परमानेंट या रियल प्रेजिडेंट नहीं सी टेंपरेरी प्रेजिडेंट सी 9 दिसंबर नू रहे सी 11 दिसंबर नू राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर नू प्रेजिडेंट बन गए सी 9 दिसंबर नू सचिनंद सिन्हा सी प्रेजिडेंट ए ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बार बार डिस्कशन होगी अपना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन से तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर डी ऑप्शन ये अपना करेक्ट है डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। इतने जो एक नाम हो दिता तेज बहादुर सपरू एंड बी आर अंबेडकर तो ये दोनों नाम तो एक क्वेश्चन होर आता है कि किड़े ते दो मैंबर से जिन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप हिस्टरी के पढ़िया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि ने अटेंड कीतियां सी तो तेज बहादुर सपरू एंड बी आर अंबेडकर दोनों वो मैंबर से जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीतियां सी अपना इतने क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सी तो बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वह मूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लोंग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट आपू यही बताना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कदों हुई थी 1946 के तो उस अकॉर्डिंग आप सारे आंसर्स नू एलीमिनेट कर देंगे क्योंकि इतने वैसे अगर आप गल करिए तो अपने कहा जाता है कि अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे लेकिन इतने क्वेश्चन है क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखनी है क्वेश्चन के देख रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितना टाइम लग्या कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के लिए पास मतलब अडॉप्ट और इनैक्ट जो किया इनफोर्स लेटर ऑन किया तो उन्होंने कितना टाइम लग्या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के बनी सी तो इन देखोगे आप फर्स्ट के 1949 दैन 1948 1947 ए वाले इतने आप 1946 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग भी दिसंबर 9 में हुई सी और 1949 के कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया सी तो 1946 के 3 साल प्लस करो इतने दिता हुआ अबाउट 3 ईयर्स सिंस दिसंबर 9 1946 तो 3 साल पास आप करते हैं तो अपना 1949 ही बनता है लमसम दिसंबर आ जाता वैसे पर नवंबर के होया सी अपना पास किया गया सीगा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया सी तो इतने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कदों कॉन्स्टिट्यूशन पास किया सीगा तो अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं है अबाउट 3 ईयर्स सिंस दिसंबर 1946 अपना करेक्ट आंसर रहेगा डी। मूव कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इतने इन्होंने फर्स्ट प्रेजिडेंट या फिर फर्स्ट सैशन दे चेयरमैन कौन सी प्रेजिडेंट कौन सी यही पूछा इतने डायरेक्टली पूछा है कि प्रेजिडेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो सचिनंदन सिन्हा टेंपरेरी प्रेजिडेंट से एक्चुअल प्रेजिडेंट वो नहीं सके राजेंद्र प्रसाद एक्चुअल प्रेजिडेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो ही अपना इतने करेक्ट आंसर होगा 11th का बी राजेंद्र प्रसाद करेक्ट अपना आंसर है एक्चुअल के यही प्रेजिडेंट से और यही 11 दिसंबर में प्रेजिडेंट बने से सचिनंद सिन्हा 9 दिसंबर में टेंपरेरी प्रेजिडेंट बने से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at. तो यदि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखिए तो 1934 के विच ये आइडिया दिता सी एम एन रॉय ने कि अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस द्वारा ही बनाना चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उस तो बाद लेटर ऑन ही काफ़ी डिस्कशन हुई तो 1936 के विच जो कांग्रेस सी कांग्रेस से हर साल एनुअली सैशन होंगे से हर साल सैशन होया वो उपर भी पूरा चार्ट के फॉर्म के हिस्ट्री के किया हो कि कदों के सैशन कि चीज़ इंपोर्टेंट से कंप्लीट 1885 तो लैके कांग्रेस की फॉर्मेशन तो लैके 1947 तक के जिन्हें भी सैशन हुए से सारे डिस्कस किए हुए आप। तो 1936 के लखनऊ के सैशन हुए सी ऑप्शन अपने करेक्ट है जिद कॉन्स्टेंट असैम्बली जो डिमांड है उन्होंने एक्सैप्ट कर लिता गया से उन्होंने फॉरवर्ड किया गया से कि जो आइडिया एम एन रॉय ने 1934 के विच दिता सी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टेंट असैम्बली होनी चाहिए उसी चीज़ में एक्सैप्ट करते हुए लखनऊ के विच इस डिमांड को पुट फॉरवर्ड किया गया सी। 1936 का ईयर सीगा सो सी ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट आंसर है। और लखनऊ के सैशन के चेयरमैन सी जवाहर लाल नहरू किहड़े सैशन का कितने होया सी कि यह चीज़ और कौन चेयरमैन से इंपोर्टेंट और किहड़े किहड़े ईयर से इंपोर्टेंट है भी उस जो अपना चार्ट वाले फॉर्म के आप टॉपिक किया डिस्कस किया है। तो लखनऊ के सैशन के 1936 के चेयरमैन से जवाहर लाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट अ डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है काफ़ी डिबेट्स हुई सी काफ़ी डिस्कशनस हुई सी कुछ लोग एग्री करते सी कुछ लोग डिसएग्री करते सी लेकिन फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया वो किहड़े डिसीजन ते अराइव होके पास किया है मतलब किदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है कि हाँ यही चीज़ सही है या यही चीज़ गलत है। ए ऑप्शन है बाय मेजोरिटी वोट कि जिन्होंने जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्हें ज़्यादा लोगों ने किस चीज़ लिए वोट की तो उस चीज़ को एक्सैप्ट कर लिया गया जिसे वोट घट से नहीं एक्सैप्ट किया गया। बाय टू थर्ड मेजोरिटी मतलब अगर जिन्हें मैंबरस प्रेजेंट है वह टू थर्ड कर देना उस मेजोरिटी के सिलेक्ट किए हुए बाय कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस का मतलब है एग्रीमेंट के नाल एग्री बाय एग्री करना कि सारे ने ही एग्री किया है। और डी है यूनानिमसली यूनानिमसली होंगे कि सारे ने ही हाँ किए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो कॉन्स्टेंट जो असेंबली है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अपना बाय कॉन्सेंसस एग्रीमेंट के नाल पास किया सी ऑप्शन करेक्ट है ना ही कोई वोट हुए से ना ही कोई यूनानिमसली हुए से मतलब सारे लोगों ने एग्री नहीं किया कुछ लोग अगेंस्ट भी सी किसी चीज़ के कोई हर एक अपनी अपनी आइडिया से हर बहुत डिबेट्स हुई से इस चीज़ के बारे। तो कॉन्सेंसस एग्रीमेंट के नाल पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपीरियंस बाय। सो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीज़ें वो वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लैके की हुई है। तो अपना इतने उही गल हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उपर सब तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है किड़े पॉइंट्स में या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तो किड़े लॉस तो आप आइडिया लैके अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया हो जिसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपना। फर्स्ट है US कॉन्स्टिट्यूशन तो US के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप फंडामेंटल राइट्स और जो अपने प्रीएम्बल है वो अडॉप्ट किए हुए हैं। बी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है पूरा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया होगा उन्होंने अडॉप्ट किया आइडिया लिया दैन उन्होंने मॉडिफाई किया अपने इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपने दिता हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और डी है फ्रेंच आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी तो फ्रेंच तो आप लिबर्टी फ्रेटर्निटी के आइडियाज अडॉप्ट किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी के अपना पूरा इन्फ्लुएंस रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का एक्ट सीगा उन्हों ही बेस रख के अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग जो है स्टार्ट की गई सी। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस 1935 का एक्ट का सीगा सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ के बारे भी डिस्कस पूरा किया है कि कड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन का किड़ा पार्ट है कि कंट्री तो लिया वो सारा डिस्कस किया हो सारा ए टू जेड कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज़ है चाहे वह DPSPs है चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो रशिया तो लिया फंडामेंटल राइट्स है USA तो लिया जर्मनी तो की लिया आप आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया हुआ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ही लिया सेंटर ज़्यादा स्ट्रोंगर रहेगी एज़ कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स।
तो कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो कि चीज़ ली है ये बारे सारा डिस्कशन किया हो और मैं उद्देश्य भी मैं तुम्हें दसिया कि 1935 के एक्ट के बारे भी डिस्कस किया कि चीज़ 1935 के एक्ट तो आप ली हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना 1935 के एक्ट तो रहा सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन के वाल मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इतने आप चेयरमैन का नाम दसने कि यह कमेटी के कौन मैंबर से चेयरमैन से कमेटीज मैं तुम्हें भी दसिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी ही फर्दर बहुत सारी कमेटी सी मेजर कमेटी एंड माइनर कमेटी तो इतने उन्होंने कमेटीज़ का ही नाम दिता चेयरमैन आप दसने। ड्राफ्टिंग कमेटी वेरी ईजी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन से बी आर अंबेडकर। दिन उस तो बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज राइट्स तो वल्लभ भाई पटेल अपने फंडामेंटल और माइनॉरिटी राइट्स के चेयरमैन से इस कमेटी की। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन से जवाहर लाल नेहरू और जो वर्किंग कमेटी से ये चेयरमैन से कन्हैया लाल मुंशी। थर्ड अपना ये करेक्ट है तो ये ए का है अपना फोर्थ बी का है फर्स्ट सी का है सैकेंड और डी का है थर्ड। तो ये अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करा अपने ये ए द फोर्थ बी सी डी तिना च दिता हुआ बी द फर्स्ट सी और डी च दिता हुआ सी का अपना हैगा फोर सी का अपना सॉरी सी का अपना हैगा ये सैकेंड यूनियन सैकेंड आएगा तो ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। ए द फोर बी द फर्स्ट सी द सैकेंड एंड डी द थर्ड तो अपना 4 1 2 3 डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव कर दें। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आप ट्रू दसनी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट की गई 1946 के स्टेटमेंट यह है बी है जवाहर लाल नेहरू एम ए जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल व मैंबरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कि तीनों मैंबर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सी स्टेटमेंट है फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947 जनवरी 1947 दे फर्स्ट सेशन हेल्ड होया सी। डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो डी स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है क्योंकि अडोप्शन की गल है 1949 के अडोप्ट होया से इतने 1950 दी है। सी भी स्टेटमेंट है क्योंकि मैं बार बार दस चुकी हूँ 9 दिसंबर 1946 के फर्स्ट अपनी मीटिंग हुई सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बी भी रोंग है क्योंकि जिन्ना इस कमेटी के मैंबर नहीं सके मुस्लिम लीग लीटर ऑन लीव कर गई सी कैबिनेट मिशन तो बाद इलेक्शन हुई तो बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई तो यह लीव कर गए थे मैंबर नहीं सके तो ये अपना एक ही ऑप्शन बचता ए ऑप्शन अपना ये करेक्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे उन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट हो दैन यही अगे फर्दर प्रोविंशियल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करके भेजन गए तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है ए ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता। नैक्सट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ये भी आप मैच करना है। तो जुलाई 22 1947 के सारी चीज़ें भी पूरा किया हो कि डेट में अपना नैशनल एंथम अडोप्ट किया नैशनल सोंग कदों अडोप्ट किया नैशनल फ्लैग कदों अडोप्ट किया सारा कुछ भी डिस्कस किया हो। तो जुलाई 22 1947 के अपना जो है नैशनल फ्लैग में अडोप्ट किया गया सीगा ये दा फोर्थ हो जाएगा। जो जनवरी 24 1950 है इस टाइम पे अपना जो है नैशनल सोंग और नैशनल एंथम दोनों ही अडोप्ट किए थे इस अपना नैशनल सोंग इतने दिता है यदा फर्स्ट हो जाएगा। जनवरी 24 1950 नैशनल सोंग प्लस नैशनल एंथम दोनों अडोप्ट किए गए थे। जनवरी 26 1950 जो है अपना ये नैशनल जो एम्बलम है उन्होंने अडोप्ट किया गया इस टाइम पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स किया गया नैशनल एम्बलम अडोप्ट किया गया। मार्च 22 1957 के नैशनल कैलेंडर है उन्होंने अडोप्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सारे ही इंपॉर्टेंट है। इस तो अलावा जो होर इंपॉर्टेंट है एक तो जनवरी 24 1950 नैशनल सोंग अडोप्ट किया गया एक नैशनल एंथम भी सेम डेट पर अडोप्ट किया गया और दूसरा अपनी जो है अपना रैक्टिफाई किया कॉमनवेल्थ की मैंबरशिप नू मई 1949 मतलब परमानेंटली मैंबरशिप ले सी कॉमनवेल्थ की 1949 मई नू। तो कुछ डेट्स और ईयर्स इंपॉर्टेंट है ये सारी एज इट इज याद रखने तो ये अपना मैच द फॉलोइंग सीगा। हुण आपां ऑप्शन देखते हैं सो अपना ये ए दा हैगा फोर्थ ए दा फोर्थ अपन ए दे विच ए और सी दे विच दित्ता होया बी दा है अपना वन बी दा वन ए दे विच दित्ता होया तो 17th दा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
July 22, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। January 24, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੋਨੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 26 January 1950 ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ March 22 ਨੂੰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ। ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਦੱਸਣੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਟਾਈਗਰ, ਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਈਗਲ, ਤੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪੀਕੌਕ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਦੱਸਣੇ ਸੀ, ਤੋ ਵਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਜੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਆਪਣੀ ਪੀਕੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਗਲ। ਤੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਵਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਨ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਤੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਵਾਜ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ, ਤੋ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, July 22, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, July 22, 1947। ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਪਿੰਗਲ ਵੈਨਕਿਆ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 2:3 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਲਰਸ ਹੈ, ਸੈਫਰੋਨ ਆਪਣਾ ਕਰੇਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਕਲਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ 22 July 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਗਲ ਵੈਨਕਿਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 20-30 ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ 20th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919। 1919 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 1909 ਦਾ ਐਕਟ, ਮਾਰਲੇਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਫੋਰਮ ਐਕਟ, 1919 ਦਾ ਐਕਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਦਾ ਐਕਟ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਇਆਚੀ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਫੋਰ ਮੁਸਲਿਮ। ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਫੋਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫੋਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1, 3 ਐਂਡ 4 ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਦ ਡੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਟ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਕੁਸ਼ਚਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਟ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 21st ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੋਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਮੋਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਫਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ।
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1773 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਫੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1947 ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1935 ਤੱਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਈਅਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਫੋਰਮ ਸੀ 1909 ਦਾ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ 1784 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1909 ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1909 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟਸ ਫੋਰਮਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਵੈਸਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵੋਇਸ ਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ 1892 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਏ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਖੁਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਜੋ ਕਾਊਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, 1892 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1909 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ Which of the following features do not contribute to making the Indian constitution the bulkiest in the world? तो इन्हों के ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਲਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਲਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਤੋ ਇਹ ਬਲਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, 352 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 356 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, 360 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਟ ਕੋਡੀਫਾਈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜਸ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਮ ਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ, ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹਾਰਡਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ। ਥਰਡ ਹੈ ਇਟ ਇਨੋਮਰੇਟਸ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 to 11 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ 5 to 11 ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਸਟ ਲਾਅ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਮਸ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਹੇ 5 to 11 ਹੈ ਲੇਕਿਨ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਿਰਫ 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 12-35 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, 12-35 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ 35th ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 32 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸੋਰੀ, 12-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 32 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ 5 ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2nd ਐਂਡ 3rd ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ 2nd ਔਰ 3rd ਸੀਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ 5 to 11 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1-2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋਰੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਕਿ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸ ਰੱਖੇ ਔਰ USA ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੂਵਡ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
नाम याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्ना द्वारा मूव किया गया सी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव किया गया सी। सेकेंड है इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटी, तो कि माइनॉरिटीज के राइट्स का मैनशन सेगा ये तो सेगा क्योंकि मैं तुम्हें उही दस रही कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उही चीज़ें दसिया गई कि इंडिया का कॉन्सटीट्यूशन कितना है। अपने इंडिया के कॉन्सटीट्यूशन माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और अपने दूजी माइनॉरिटीज़ के लिए रिलीजन माइनॉरिटीज़ वाली जो माइनॉरिटीज़ है उन्होंने राइट्स की गल की हुई है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी क्या से क्या से कि जो माइनॉरिटीज़ है उन्होंने राइट स्पेसिफिक दिते जाएंगे, ये चीज़ सी ये। थर्ड है इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो नो फंडामेंटल राइट देना कोई रिलेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लेकिन बेसिस नहीं बनाया फंडामेंटल राइट का, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इन्हें प्रीएम्बल का बेस बनाया है, प्रीएम्बल बनाया तो बाद ना कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आया। फोर्थ है इट कॉल्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर ओनली, सोशलिस्ट एंड सेकुलर पोलिटी, सो ये भी अपने इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ सोशलिस्ट और सैकुलर नहीं है, वो रिपब्लिक बहुत सारे और भी वर्ड्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैनशन से जो अपने से। तो इतने अपना है कि नॉट करैक्ट, तो वो थर्ड एंड फोर्थ नॉट करैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू और माइनॉरिटीज राइट वाला दोनों ही अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड एंड फोर्थ नॉट करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन लिखता है, तो सी ही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रोंगली मैच, इन्हें विचों केड़ी रोंगली मैच है। फर्स्ट है December 9, 1947 कॉन्स्टेंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, तो ये स्टेटमेंट इनकरैक्ट है क्योंकि 1947 है, 1946 के मीटिंग हुई सी और ये प्रीवियस सेशन के काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। दूसरा है November 26, 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनैक्टेड गेव टू दैमसेल्व द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस अडॉप्ट और इनैक्ट 1949 के किया गया कमेंसमेंट की या फिर इस्टैबलिशमेंट की या फिर इनफोर्समेंट की आप कही तो वो 1950 की डेट आती है, तो ये स्टेट भी करेक्ट है। अडॉप्ट और इनैक्ट का मैं तुम्हें प्रीवियस सैशन भी याद रखा कि दोनों वर्ड्स याद रखने हैं, अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया 1949 के कमेंस किया गया 1950 के। नेक्स्ट है January 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मैंबरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि January 24 साइन किया दैन 26 जनवरी कमेंस कर दिता गया और अडॉप्ट 26 नवंबर किया गया करेक्ट सिंह क्योंकि इतने साइन की गल हो रही है, कमेंसमेंट की गल नहीं हो रही, कमेंसमेंट की डेट 26 जनवरी है 1950 की, साइनिंग 24 जनवरी ही हो गई सी 1950 के। डी स्टेटमेंट है अपनी January 26, 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी करेक्ट है, कमेंसमेंट की डेट 26 जनवरी है जो, और साइनिंग की डेट 24 जनवरी है और अडॉप्शन की डेट 26 नवंबर 1949। तो इतना रोंगली मैच दसना सीगा, तो रोंगली मैच अपना ए वाला है क्योंकि 1946 December 9 के फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना कि 47 के, सो ए ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following provisions of the constitution came into force from November 26, 1949? तो November 26, 1949 जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया सीगा, तो उस टाइम पर सारे ही लॉज नहीं इनफोर्स कर दिए गए थे, कुछ चीज़ें सी जो उस टाइम तो इनफोर्स कर दी गई सी, बाकी दी जो है 26 जनवरी 1950 तो जो कमेंसमेंट की डेट सी उदो इनफोर्समेंट के आई सी, तो ये कि चीज़ा सी जो इनफोर्समेंट के आई सी उस टाइम पर, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, तो यह चीज़ उस टाइम पर इनफोर्स कर दी गई सी 1949 ही क्योंकि उस टाइम पर पार्टीशन तो बाद सिटीजनशिप का काफ़ी इशू चल रहा है, तो इसलिए प्रायोरिटी के इनफोर्स कर दिया गया सीगा। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटिड टू इलेक्शन, तो यह भी करेक्ट है क्योंकि उस तो बाद इंडिपेंडेंस तो बाद इलेक्शन होने से जो 1950 तो बाद हुए थे, तो उस चीज़ के लिए भी इन्हें फोर्सली इनफोर्स कर दिया गया कि इलेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट हुए। थर्ड है प्रोविजन रिलेटेड टू टू प्रोविंशियल पार्लियामेंट, जो स्टेट से जो पार्लियामेंट सी उन्होंने रिलेटेड, तो ये भी पास कर दिया गया सेगा कि सारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्मूथली रन कर सके। फोर्थ है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट 1949 1950 जो कमेंसमेंट की डेट है 26 जनवरी उदो ही इनफोर्समेंट के आए थे, पहला इनफोर्समेंट के नहीं आए थे, इनफोर्समेंट के जो है अपना फर्स्ट सैकेंड और थर्ड आया सीगा, तो ये ऑप्शन देख लें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सी दे विच है, सी अपने करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर्स के बीच भी दो है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। जो असेंबली है इतने लेजिस्लेटर यदा क्वेश्चन है अपना। काउंसिल दे विच जो एंट्री है वो 1909 दे विच इलेक्शन स्टार्ट कर दिए गए सी। 1892 दे विच बाय नॉमिनेशन काउंसिल दे विच एंट्री लेते सीगे, लेकिन 1909 दे एक्ट दे विच इलेक्शंस दी गल करते सीगे इंडियंस दी रिप्रेजेंटेशन दी। और इतने अगर आप असेंबली दी गल करिए जो कि अपना क्वेश्चन है लेजिस्लेटर्स का, तो इन्हों लेके एंट्री जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 सेगा ये विच इलेक्शंस दी ना रिप्रेजेंटेशन दी गल की गई सी। ये विच एंट्री इस एक्ट दे विच अपन एंट्री मिली सी 1935 दे एक्ट दे विच। 1909 दा जो एक्ट है ये विच लेजिस्लेटिव काउंसिल दे विच एंट्री मिली सी, और 1892 दे विच लेजिस्लेटिव काउंसिल दे विच ही बाय नॉमिनेशन इंडियंस जाते सके असेंबली दे अंदर। लेजिस्लेचर्स दे अंदर अपने 1935 दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो रिप्रेजेंटेशन मिली सी इंडिया इंडियंस नू। सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टू इट्स ओन हैंड बाय। सो फर्स्ट जो है 1773 का ही जो रेगुलेटिंग एक्ट सेगा, इस एक्ट की स्टार्टिंग तो ही जो क्राउन सी या ब्रिटिश गवर्नमेंट आप कही है उन्हें जो कंपनी इंडिया के रूल कर रही थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लानी स्टार्ट कर दी सी। मतलब उन रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ एक्ट पास कर लग गए थे, लेकिन फिर अपनी हुई सी रिवोल्ट हुई सी, लेकिन कंप्लीटली ओवरटुक नहीं किया। कुछ राइट्स कंपनी को सी, कुछ राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सके। जो 1857 की रिवोल्ट हुई जिद ब्रिटेन को काफ़ी लॉस होया, उस तो बाद एक्ट पास किया 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कह के कि असी इंडिया नू बैटर बनाने के लिए एक्ट पास कर रहे हैं। तो इस एक्ट के विच लीगली जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्हें कंपनी का सारा जो मैटर सीगा अपने हाथ में ले लिया से, कंपनी नू कोई राइट नहीं दिता। तो बी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। सिंपली 1857 के रिवोल्ट हुई, सो रिवोल्ट में देखते हुए 1858 के ब्रिटिश क्राउन ने सारी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पोंसिबिलिटी अपने हाथ के ले ली। सो बी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आपको दसना है कि केड़ा करेक्ट है। इतने ऑप्शन अपने दिते हुए हैं, ए ऑप्शन है 2 and 1 करेक्ट, बी ऑप्शन है 2 and 3 करेक्ट, सी है 1 and 2 करेक्ट, और डी है 1 and 3 करेक्ट। तो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा है लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि लार्जली जो अपना जिन्ना भी अपना पॉलिटिकल पार्ट है वो तो सारा का सारा मोस्टली 1935 के एक्ट तो लिया गया। हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे वेरियस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लैके अडॉप्ट किए गए, लेकिन 1935 का मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस रहा अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएसट होने का भी एक रीज़न यही है कि 1935 का एक्ट खुद ही बहुत लेंथीएसट कॉन्स्टिट्यू मतलब एक लेंथीएसट पार्ट सेगा, और फिर यदा ही आप एज अ बेस रख के अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सेगा। लार्ज का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा 1935 का एक्ट, तो एक्ट ही काफ़ी लेंथीएसट सेगा, तो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी लेंथीएसट होया। तो ये जो है अपनी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 29th क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सैकुलर स्टेट मीन्स। सैकुलर स्टेट का मतलब होंगे कि सारे ही रिलीजियस नू फ्रीडम है अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस नू फॉलो करने के लिए, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस के विच कोई इंटरफेरेंस नहीं पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी। सैकुलर का मतलब एज एन ए होंगे, पर आप ऑप्शन देखने हैं कि स्टेट ट्रेड्स और रिलीजन इक्वली। यस सैकुलर का मतलब यही होंगे सारे रिलीजनस इक्वल्स होंगे। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप विल अलाउड टू ऑल पीपल। यस सारे ही लोगों को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो फेथ है, वर्शिप है, वो सारी अलाउड होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि विदाउट एक्सेप्शंस, क्योंकि इतने वर्ड लिखे है अपना जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के पार्ट के जो आर्टिकल 29 और 30 है, उसके जो एजुकेशनल
ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ 30, 29 and 30 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਲਚਰੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰਥ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਕੋਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 29 and 30 ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸ ਫੋਰ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਸੀਡਰਡ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ, ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੀ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਜੋ ਐਕਟ, ਜੋ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ 1936 ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਯੂ ਐੱਸ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਉਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਅਗਸਟ ਆਫਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ, ਔਰ ਐਕਟ ਆਫ 1935। ਜੋ ਜੋ ਆਪਣਾ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਸੀਗਾ 1940 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1940 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ 1940, ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬੋਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1940 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਵਾਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀਡਮ, ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀਡਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ 9 December 1946 ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਅਡੋਪਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਨ ਦ ਐਂਬਲਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਂਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 'ਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫੋਰ ਲਾਈਨਸ, ਚੈਰਟ, ਵੀਲ, ਹਾਰਸ, ਵਰਡ, ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਫੋਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰਨਾਥ,
मॉडर्न डायनेस्टी जो सारनाथ वाला एरिया है उधर पिलर के पीछे फोर लाइन्स ले गए जो स्टेट एम्बलम है। चार लाइन्स जो है अलग अलग टर्म्स में डिपेक्ट करता है, मतलब पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। ये चार वर्ड्स नो ये चार लाइन्स जो है डिपेक्ट करते हैं। एक तो मतलब है पावर, दूजा करेज, तीजा कॉन्फिडेंस और चौथा प्राइड नो अपने डिपेक्ट करता है। और सारनाथ का जो पिलर सेगा वो फोर लाइन्स से लिया अपने बॉटम के बच्चे जो बेस है उत्थे एक चक्कर बनाया और एक साइड तो हॉर्स और बुल जो है रन कर रहा है। इस अकॉर्डिंग द अपना स्टेट एम्बलम है। फोर लाइन्स वाली चीज़ आप मॉडर्न डायनेस्टी तो अडॉप्ट की हुई है। और दूसरा ये जो अपने सत्यमेव जयते दिता हुआ है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते आप मुंडका उपनिषद तो लिया हुआ वर्ड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कि सत्यमेव जयते वर्ड कि किदे तो आप ले अडॉप्ट किया है, तो मुंडका उपनिषद तो लिया हुआ है। और जो फोर लॉयंस है स्टेट एम्बलम के बच्चे सारनाथ का जो पिलर सेगा मॉडर्न डायनेस्टी का वो तो आइडिया लिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर सेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। तो गवर्नर जनरल का ऑफिस केड़े एक्ट तो क्रिएट किया गया सेगा। सब तो फर्स्ट आया से अपना 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स जो सेगा उस टाइम जो तीन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरेटरी सी, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास, तो तिना ही गवर्नर जनरल होंगे से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेगा उन्होंने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पावर दी गई सी। दैन उस तो बाद जो 1784 का एक्ट आया, इस एक्ट के 1773 तो बाद 1784 के जो एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उन्होंने कंप्लीटली सारी ही पावर्स दे दी गई सी एज कंपेयर टू बॉम्बे और मद्रास से, कि वो उन्होंने तो सुपीरियर है। दैन उस तो बाद जो है अपना उस तो बाद 1833 के एक एक्ट आया सेगा। 1833 के ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन है उन्होंने एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दी गई। सर विलियम बेंटिक अपने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। दैन जो 1858 के एक्ट पास होया आफ्टर 1857 की रिवोल्ट तो बाद, तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो पोस्ट एज इट रही सी, लेकिन उन्होंने एक होर रिस्पोंसिबिलिटी देती से एज अ वॉइस रॉय की। लॉर्ड कनिंग जो फर्स्ट वॉइस रॉय अपने से। तो इतने क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई सी, और विलियम बेंटिक फर्स्ट अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। बी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। इतने कई इनकरेक्ट दिता हुआ है। जो 1858 का सीगा ये अपना वॉइस रॉय की पोजिशन इस्टैबलिश की गई सी, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। 1833 के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई सी, और नाम भी याद रखना विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन से डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और इन्होंने ही मॉडर्न मनु प्लस फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही वर्ड्स इन्हों यूज किए जाते हैं। ये ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडिया। तो मिस्टर एटली ने कदों इंडिया को पावर ट्रांसफर की गल की सी। सो क्वेश्चन है ऑप्शन है फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 और जून 1949। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए कि कदों पावर मिस्टर एटली ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड से उन्होंने पावर ट्रांसफर अनाउंस की सी, उस टाइम पर इंडिया के माउंट बेटन जो है एज अ वॉइस रॉय काम कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पोस्ट 1858 के एक्ट के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो एज इट इज़ रही सी जो 1833 के एक्ट के बनाई गई सी, लेकिन उन्होंने एडिशनल नेम वॉइस रॉय का भी नाम दे दिया गया सेगा। सो ए वाला जो अपना क्वेश्चन है जो माउंट बेटन प्लान सेगा 1947 के जुलाई माउंट बेटन प्लान, तो उन्होंने कहा सेगा कि जून 1948 के इंडिया में सारी पावर ट्रांसफर की जाएगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन उस तो बाद काफ़ी वॉयलेंस होने लग गया, तो उस चक्कर के अपन 15 अगस्त में ही इंडिपेंडेंस मिल गई सी। तो सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। ये वाला आप 1947 का जो एक्ट पढ़िया से वो डिस्कस किया है कि डेट रखी गई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदा जो है ए ऑप्शन अपना करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने मूव किया से और बेस से ही प्रीएम्बल बनाया से 36 के क्वेश्चन का। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
So our 37th question is, which of the following is correct regarding the Indian Constitution? Indian Constitution the regarding KD statement correct hai. First hai, it is completely based on the British Constitution. तो ये इनकरेक्ट है, कंप्लीटली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस नहीं है. बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लिया गया सी और उन्होंने इंडिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया सीगा. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस 1935 का एक्ट तो रहा सीगा, लेकिन ओनली बेस नहीं है. बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन एज अ आइडिया लेके बनाया गया सीगा. सी है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे वेरियस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बहुत सारी चीज़ें आइडिया अडॉप्ट करके अपने इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज मॉडिफाई करके उन्होंने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. डी है, इट इज़ ओरिजिनल. तो ओरिजिनल नहीं आप कहेंगे, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जिदा फंडामेंटल राइट यूएसए के आप उन्होंने तो आइडिया लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया तो आइडिया लिया हुआ है. तो ओरिजिनल नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज के बहुत चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने तो आइडिया लेके आप बनाया. तो ये है करैक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सी स्टेटमेंट अपनी करैक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट रोंग है. ये नैक्सट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. इन्हें आप मैच करना है कि चीज़ कि अपनी. तो अपनी फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सीगा, डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी एट सेंटर एंड स्टेट बोथ, जिन्हों की लेटर ऑन रिमूव कर दिता गया 1935 के एक्ट के. अगर क्वेश्चन आया कि डायरची किस एक्ट के रिमूव की गई थी, तो 1935 के एक्ट के रिमूव की गई थी, स्टार्ट 1919 के एक्ट के गई थी. डायरची तो मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट. ये लिखा हुआ आर्टिकल 1919 का जो एक्ट है कि दो चीज़ा होनगियाँ गवर्नमेंट के कोल, मतलब दो पैरलर गवर्नमेंट्स होनगियाँ, डबल रूल होएगा. एक सब्जेक्ट ट्रांसफर होंगे सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे. सब्जेक्ट इन द सेंस एग्रीकल्चर ट्रेड इन्होंने सब्जेक्ट कहते हैं. रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर एक गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर एक गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, मतलब दो गवर्नमेंट ड्यूअल गवर्नमेंट चलनगियाँ. डायरची इन्हें कहें 1919 के इंट्रोड्यूस की गई सी. नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट सी, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई सी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सैकेंड का टाइम जो चल रहा है, तो उस टाइम पर इंडिया का सपोर्ट लैन के लिए क्या गया सीगा कि जो प्रोविंशियल दे विच जो डायरची चल रही है, आ डायरची जो चल रही थी इनू हटा दिता जाएगा और ऑटोनॉमी ला दी जाएगी. 1919 के प्रोविंसेस और सेंट्रल दोनों के डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी, लेकिन लेटर ऑन 1935 के एक्ट के प्रोविंसेस नू ऑटोनॉमी देती सी, डायरची हटाती थी, लेकिन सेंटर के डायरची जो ड्यूअल गवर्नमेंट है वो एज इट इज रहेगी, ये क्या गया सीगा. नेक्स्ट है मिंटो मोरले रिफॉर्म या मोरले मिंटो रिफॉर्म. तो यह फेमस है, मुस्लिम्स नू सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया सी. सैकेंड स्टेटमेंट है ये अपना जो सैकेंड है सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया सीगा. डी है कैबिनेट मिशन प्लान. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जो है कॉन्सटेंट असेंबली बनी सी, बहुत बार रिपीट हो गया तो तुम्हें चंगी तरह पता होना चाहिए. सो ये अगर आप देखिए तो अपना ए का हैगा थ्री, ए का थ्री स्टेटमेंट्स देखिए, ए का अपना थ्री डी के दिता हुआ, डी के ओनली दिता हुआ, बाकी भी देख लेने दोबारा. और ए का अपना हैगा ये थ्री, बी का हैगा फर्स्ट, डी के बी का फर्स्ट भी दिता हुआ, सी का सैकेंड और डी द फोर्थ, सी द सेकंड और डी द फोर्थ. तो डी स्टेटमेंट जो है अपना डी ऑप्शन ही करेक्ट है. ये चीज़ याद रखनी, 1919 डायरची इंट्रोड्यूस की गई सी बोथ एट प्रोविंसियल एंड सेंटर लैवल. तो जिन्होंने 1935 के जो प्रोविंसेस उन्होंने ऑटोनॉमी देती सी, लेकिन सेंटर के डायरची ड्यूअल गवर्नमेंट रहेगी, ये क्या गया सीगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द अमेंडमेंट प्रोसीजर ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ. तो इंडिया का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो आप कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो आइडिया लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो 1935 का एक्ट है ना, मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस ये, लेकिन ये आप जो है ज़्यादा पॉलिटिकल वाली जो चीज़ें हैं थोड़िया वो लिया हुई हैं. पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं कि इंडिया के जिदा होगी लोकसभा राज्यसभा स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट इदा जो चीज़ें हैं अपनी गवर्नमेंट दी पॉलिटिकल पार्ट वो 1935 के एक्ट तो लिया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 तो ये तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि 1947 के एक्ट में सिर्फ ये दसाया गया कि कदों फ्रीडम मिलेगी, कि दो डोमीनियंस बनेंगे पाकिस्तान इंडिया, किदा उन्हों की पार्टीशन होएगी, किदा पावर का ट्रांसफर होएगा. सो ये तो आप कुछ भी अडोप्ट नहीं किया हुआ. नेक्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका अपना करेक्ट आंसर है, आंसर भी देख के आना तुम्हें.
साउथ अफ्रीका कम करेक्ट है। साउथ अफ्रीका तो आपां दो चीज़ें अडॉप्ट कीते हैं, एक तो अमेंडमेंट द प्रोसीजर केन्या द कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दा अलग जो प्रोसीजर है वो वाली चीज़, और सेकेंड इलेक्शन टू द राज्यसभा, जी राज्यसभा दे विच किदा इलेक्शन होंगे, राज्यसभा दे अपने मेंबर्स हो किदा इलेक्ट होण के आणगे, ये दोनों चीज़ें ही साउथ अफ्रीका दे कॉन्स्टिट्यूशन ते लिया होया है। सोर्सेस कंप्लीटली आपां एक पूरा एक टॉपिक डिस्कस किया होया कि केड़ा पार्ट केड़ी कंट्री दे कॉन्स्टिट्यूशन ते लिया होया, इहदे कोल ऑलरेडी थ्योरी दे विच डिस्कशन आपां ऑलरेडी कर चुके हैं। अज दी सीरीज दा लास्ट क्वेश्चन है अपना, अज दी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, तो कॉन्स्टेंट असेंबली का फर्स्ट सेशन December 9, 1947-46 हेल्ड किया गया सीगा। सचिन नंद सिन्हा फर्स्ट प्रेजिडेंट बने से, उस तो बाद राजेंद्र प्रसाद आए थे 11 दिसंबर नूं, और जो कैबिनेट मिशन प्लान सीगा उहदे अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट असैम्बली बनी सीगी। क्वेश्चन अपना कि फर्स्ट असैम्बली की जो December 9 नूं मीटिंग हुई सी किहड़े प्लेस हुई सी, तो न्यू दिल्ली दे विच हुई सी, और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर आप गल करिए तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस सीगा जिथे इहदी मीटिंग हुई सी कॉन्स्टेंट असैम्बली की, न्यू दिल्ली दे विच। सो डी ऑप्शन दे विच अपना करैक्ट आंसर है। सो ये सी अपनी आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन दे विच इसी सीरीज़ नू कंटिन्यू करांगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।